क्वेश्चन तो देख सकते कम से कम, मोबाइल में बैलेंस तो बढ़िया है, लेकिन क्वेश्चन देखो 15 कोई नहीं बोलते x 15x हां 15x y x 1 y 2 किससे डिविजिबल है 44 से डिविजिबल है ना, तो कह रहा है क्या इसमें आगे एक y मान ही निकालना है, तब वो आगे x प्लस y पर पूछा है। देखिए x प्लस y पूछा है तो आपको यहाँ बारी बारी नहीं निकालना जरूरत पड़ेगा। 44 से y माने कितना 4 और किससे जी 4 और 11 4 और 11 से, तो 4 और 11 4 11 तो आप क्या पढ़े बोले, चलिए आप सुने पढ़े हम पढ़े। 4 को यह नियम था कि अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होगा, वह संख्या भी 4 से अवश्य विभाज्य होगा। अंतिम दो अंक यानी y और 2 से ना, y और 2 से, आप सोचिए कि y जहां पर क्या रख दिया 4 से कट जाए, तो y जहां पर अगर 0 रख दे 2 4 से कटता है क्या, नहीं कटता है। 1 तक है, आपको ऐसा मत सोच लीजिए कि कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 1 कहता है कि पहले 1 और क्या रख सकते हैं हम, क्या 3 रख सकते हैं कि नहीं, 3 और क्या सकते हैं 4 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 5 रख सकते हैं और क्या 7 रख सकते हैं और क्या 9 रख सकते हैं, ये इतना रखने पर अगर y के वैल्यू में इतना लेते हैं तब भी 4 से डिविजिबल होता है। अब 11 का डिविजिबल क्या है बोलिए थोड़ा, अल्टरनेट क्या हो जाएगा 1 प्लस, आप सबने बोलिए हम थोड़ा सा तेजी बोलना प्रयास करें तो आप रिकॉर्डिंग आने लगेगा, 1 प्लस क्या x प्लस y ये अल्टरनेट में आ जाएगा सही है ना, 5 प्लस 1 प्लस 2 ये जोड़ रहे कितना हो रहा है 8, ये देखिए आपका 1 प्लस x प्लस y आपका जानते हैं क्वेश्चन में भी आगे ध्यान देना है, x y के लिए मान जरूरत नहीं है, इतना ज्वाइंट पूछा है, ये कितना है 8 और यहाँ कितना लिखा 1, आप सोच लीजिए कि दोनों का मान हम क्या रख देंगे कि घट के कितना आ जाए 0, 8 है कि 1 है, अगर इसमें 7 जुड़ जाता कितना जुड़ जाता, ये दोनों वैल्यू मिला कितना होता 7, 7 प्लस 1 कितना होता 8, 8 में से क्या होता 0, और x प्लस y का मान क्या रख सकते हैं 7, x प्लस y मान पूछा ना 0 नहीं बाबू, नियम में था कि दोनों का अंतर अगर 0 आ जाए अब 11 आ जाए, 11 मल्टीपल आ जाए तो संख्या 11 से अवश्य कटेगा। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम क्या रख देंगे, बारी बारी से मत सोचिए, ऐसा सोचिए आप वैल्यू कि दोनों ज्वाइंट पूछा x प्लस y, बारी बारी निकालने पर थोड़ा सा ज्यादा समय जाएगा, हम क्यों निकालें जो पूछ रहा है x प्लस y का मान, आप सोच लीजिए ज्वाइंट में कि x प्लस y आने दोनों का वैल्यू मिला करके हम कितना रख देंगे 7, दोनों वैल्यू मिला कितना 7, 7 प्लस 1 कितना होगा 8, 8 में से क्या बचेगा 0, समझ रहे हो, तो क्या रखना है हमें यहाँ पर दोनों मिलाकर 7, तो ऑप्शन में 7 है क्या, 7 हो जाएगा। अगर कोई बच्चा ऐसा ना सोचता है लंबा तरह सोचता है बच्चा की तरह सोचिए देखिए क्या करेगा, अगर आप वहां पर 1 रखेंगे कितना, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 एक कितना होगा 1 2 हो जाएगा, तो अब x में कितना रखना पड़ेगा हमको 5, x में लो 5 रखना पड़ेगा कितना 6 रखना पड़ेगा, x में लो 6 रखना होगा तब जाकर कटेगा। यहाँ पर देखिए फिर इसे हम बार बार चेक करेंगे समय जाएगा, लेकिन उतना नहीं करना आपको, डायरेक्ट जो पूछ रहा है उस पर आइए ना, आगे क्वेश्चन पूछ रहा है x प्लस y मान ज्वाइंटेड पूछा है ज्वाइंटेड निकाल लीजिए, समझ रहे हो, यहाँ पूछा x y मान अलग तो दिमाग लगा रहे पूछने की क्या लगेगा क्या दिमाग लगेगा, चलिए 92 में भाई क्या 92 में, अरे एक संख्या 9 अंकों की संख्या है, अरे एक 9 अंकों की संख्या इतना इतना कर रहा है 88 विभाज्य है, तो y का न्यूनतम मान क्या होगा, y का न्यूनतम बिल बोला कल एक क्वेश्चन अधिकतम लगा हुआ था, बोलिए कितना संख्या है जी 3 2 x 4 x 4 double 1 double 1 5 y 2 5 y 2 2 किससे डिविजिबल है 88 से, चलिए 88 से डिविजिबल मतलब 11 और 8 से, ये दिमाग लगाना है 8 से डिविजिबल मतलब अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंकों से बड़ी संख्या अगर 8 से कटता है तो पूरा संख्या 8 से कट जाएगा, अब सोचिए कि इसके अनुसार y की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं जो 8 से कट जाएगा, अगर हम 0 रखते हैं 0 रखेंगे कटेगा क्या, 0 रखेंगे तो 48 बनेगा 50 बनेगा, तो 48 तक कट रहा है 50 में 48 2 बचेगा 12 नहीं कट रहा है 0 गया, 1 रखेंगे कितना हो जाएगा 1 रखेंगे कट जाएगा क्या कटेगा, ये काम मान कट जा रहा है ना, चलिए 2 रखेंगे तो 3 रखेंगे 3 चलिए 3 दिया और y का न्यूनतम बोला ना
लगा दिया थोड़ी न्यूनतम में एक सीट है ज्यादा के बढ़ेंगे न्यूनतम में आगे जो बिलवा बड़ा हुआ है न्यूनतम वाई अंकों का निकल गया। अब यहाँ पर आई हो 18 11 में क्या पढ़े हम अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर अल्टरनेट जोड़िए कितना हो जाएगा 3 + x + 1 + 5 + 2 तीन नया होगा और तो तीन लिखवा तीन नया होगा क्यों नया कटेगा नया कटेगा तीन सही है छोड़ी न्यूनतम चाहिए हमको न्यूनतम बोल दिया यही शुरू है अब जो मिलेगा बड़ा ही मिलेगा। आप ये अल्टरनेट ले रहे हैं 3 + x + 1 + 5 + 2 अल्टरनेट में क्या बचेगा 2 + 4 + 1 + y इसको जोड़िए कितना आता है यहाँ पर 2 + 1 4 + 1 अब y का मान कितना ले रखे हैं 1 ये कितना हो गया आपका 6 एक 8 हो जाएगा ना अगर y का मान 1 लेंगे हाँ 8 हो जाएगा 2 4 6 6 7 7 + 1 8 आया अब उधर भी 8 होना चाहिए यानी 3 + 1 4 4 + 5 9 9 + 2 कितना हो जाएगा 7 तो नहीं होगा सर 8 लिखे हैं नीचे बोला ये तो 7 बोला रहा है अरे y का मान 1 है जी अच्छा 8 नहीं होगा आप यहाँ पर देखिए ठीक कितना पर होगा 11 + x आ रहा है। अब सोच लीजिए किसी परिस्थिति में y का न्यूनतम वैल्यू 1 ही है उसके बाद भी आगे पढ़ा जाएगा क्वेश्चन में न्यूनतम वैल्यू बोला है यहाँ पर जोड़िए कि हम क्या रख देंगे कि दोनों के बीच का अंतर अब 0 तो होने वाला है नहीं क्योंकि अकेला 11 इससे बड़ा है तो 0 कहां न्यूनतम कहां से आएगा 0 कहां से आएगा इसलिए जो भी वैल्यू रखना है अब 11 की चांस रखिए 11 है यहाँ पर क्या लिख देंगे कि दोनों के बीच घट के 0 आ जाए यानी 11 आ जाए सोचिए क्या करेंगे अभी 11 में से 8 जा रहा है 3 बच रहा है इस तरह से अगर हम यहाँ पर रखते हैं कितना हो कितना 8 रखिए 11 8 कितना 19 में से 8 जाएगा तो 11 बचता है ना तानी x वैल्यू कितना हो गया x के वैल्यू 8 और y के वैल्यू 1 क्वेश्चन क्या पूछा गया है क्वेश्चन पूछ रहा है तो न्यूनतम संभव मान के लिए 4x माइनस y कितना हो इसी के आगे बढ़ाते हो 4x माइनस y माइनस नहीं रहा हाँ y 4 इंटू x मान कितना है 8 माइनस y मान कितना 1 832 कितना आ जा रहा है क्या 31 है ऑप्शन में 32 में से क्या कितना बचेगा ओ हाँ कहाँ रहते हो पता नहीं ध्यान दीजिए सब चीज 93 क्या लिखा हुआ 93 में आठ अंक पूछ रहा है आठ अंक से आपको मतलब नहीं है संख्या क्या है उससे मतलब रखे किससे भाई जितनी मतलब रखे क्या लिखा हुआ है वो 179 ये हो किसे डिविजिबल है 88 से चलिए 8 और 11 अब यहाँ पर 8 का वैल्यू 12 पर वही आ रहा है अंतिम 3 अंक कितना अंतिम 3 किससे रखना चाहिए 8 से सोचिए वहां पर क्या हो जाएगा इसमें मिनिमम मैक्सिमम नहीं लगाया कुछ नहीं बोला है चलिए अब इसमें थोड़ा सा है कि आपको वैल्यू निकाल लेंगे भाई कंफर्म वैल्यू है आप यहाँ पर अगर 91 है दो रखने से नहीं समझ में आता रख में आप भागा दे सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर है देखो 8 से काटेंगे तो कितना 8 है गाइस 8 ये कुदर रहा है ये 8 है गाइस 8 ये कितना हो गया 3 अगर देखो यहाँ पर 0 रहता है यहाँ 0 उधर तो क्या 30 कटेगा 8 से नहीं 1 रखिए 31 बनेगा 31 कटेगा नहीं 2 रखेंगे कितना 32 यहाँ उतरेगा तो कटता नहीं भाई मान दो चलिए अब 2 रखें 8 क्या कटेगा यहाँ पर क्या रखेंगे कट जाएगा सिर्फ दो ही है तीन रखेंगे तो क्या बने 33 बनेगा क्या बनेगा कटता है नहीं कटता है चार में जो नहीं कटेगा 5 में 35 नहीं कटेगा सोच लीजिए आप यहाँ जो रहेगा वही नहीं उतरेगा तीन किसका शेष है यहाँ जो रखेंगे 0 रखेंगे 30 बनाएगा रखेंगे 31 2 रखेंगे 32 32 कटा 8 से 3 रखेंगे 33 8 से नहीं कटता है 4 रखेंगे 34 8 से नहीं कटता है 5 रखेंगे 35 8 से नहीं कटता है आप इस तरह देखिए कुछ भी रखेंगे यहाँ पर दो बराबर नहीं कटेगा ठीक है अब मेरा रखने कहाँ तक है 9 तक 39 नहीं कटता है
बड़ा अच्छा है, कितनी वैल्यू रहा, कितना रहा, एक यानी दो हो जाएगा, वाई का वैल्यू दो। अब एक्स का कैसे निकालेंगे, ग्यारह में आंसर अल्टरनेटर को का अंतर जोड़ दीजिए, वो वन प्लस नाइन प्लस जीरो प्लस वन वन प्लस नाइन प्लस जीरो प्लस नाइन अल्टरनेट लेने में भूल जाते तो आपकी गलती है, सेवन प्लस एक्स प्लस कितना हो रहा है नाइन प्लस वाई। अब देखिए ये पूरा वैल्यू में जोड़ दीजिए कितना हो रहा है, ग्यारह रहा है, गलती करे बारह हो गए, यहाँ बोल सकते हैं दो लेंगे तो अठारह प्लस कितना रहा होगा एक्स, अठारह प्लस एक्स। अब सोचिए दोनों का अंतर मतलब अंतर हमको कितना चाहिए, जीरो आने से चांस नहीं है, ये दोनों का अंतर ग्यारह आने के, हमको क्या चाहिए अपन कम से कम चार, अठारह चार बाईस, बाईस में से गा रही दिखा रहा, और एक से वैल्यू कितना आ रहा है फोर, वाई के वैल्यू टू। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, पूछा क्या आपसे, 92 था जी, 93 है, 5x - 8y का पूछा है, 5x - 8y, 5x = 4 माइनस 8y मान 2 कितना रहे 20 माइनस 16 यानी कितना 4, क्या ऑप्शन में 4 है, हाँ है ये है, ये है ना, आप अगर हो सके मिलाते चलेगा फिर ये है यार 94, क्या चांस देखें, अब चांस ये क्या रखना है, आपको समय दिया गया था कल बताने बनाने के, लेकिन ये बनाया तो कोई बात नहीं ठीक है, कोई बच्चा बनाया तो मिलाते चलिए। 94 में क्या है, 94 करा दी आठ अंकों की संख्या, इतना इतना करा है, 72 से डिविजिबल है तो इतना मान निकालना है, क्या लिखा हुआ संख्या बोले बाबू, 7 9 7 8 7 8 है, 7 8 9 9 x 5 3 1 y 5 3 1 5 3 1 5 3 1 बस इतनी है, y वगैरह नहीं इसमें, y होगा कि कहाँ पे ना, कैसे y है क्या, y नहीं कैसे, y लिख रहे कैसे, y होगा y है क्या, y है वन के बगल में y, लेकिन लास्ट में y है ना, चलिए ठीक है, किसे डिवाइड है 72 से। अब यहाँ पर देखिए पूछा है आपका आगे चल के x प्लस वाई नहीं पूछा है, इसका अलग वैल्यू पूछा है 8 9। अब यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा 8 और 9, आपसे कितना पता चल गया कि डायरेक्ट में कोई दिखे बस इतना कर लेना है, और 8 से कटेगा कोई अंतिम 3 अंक, तो नहीं समझ में तो 3 बच्चों वैसे लिख दीजिए और 8 से भाग दीजिए, यहाँ पर भरना है यहाँ वाई, चलिए 8 कितना 8 चौक 8 दिया 24 कितना लग रहा है 11 में 4 जाएगा तो 7 7 ना। अब यहाँ पर देखिए सोचिए कि y बराबर क्या क्या बनाएगा, दो दो क्या क्या बाबू, दो है, अगर हम दो रखेंगे तो 72 बनेगा जो कट जाएगा, तो y बोल दो और क्या है, अब कुछ नहीं देख ली ना, 4 रखते हैं 3 रखते हैं 5 रखते हैं 6 रखते हैं 8 रखते हैं तो अभी नहीं कटेगा, क्या लगा आपका y का वैल्यू 2। अब हमको निकालना है कितना 9 का, तो बड़ा आसान है 11 तो 9 आसान है ना, 9 को विभाजिता क्या है, 9 को विभाजिता नहीं है, देखिए देखिए इतना बड़ा इसको बना रखे हैं, बड़ा नॉर्मल है, लेकिन इतना आप इसको हार्ड बना लें विभाजन में, अभी आप कसम खाइए अपने आप से कि नहीं बात होता तो खाना ही नहीं खाना है, क्या कर सकते हो ऐसा, हाँ देखते हैं कल जा करके, कल नहीं आज जा करके इसको हाथ कर लीजिए, तो ये विभाजन नहीं, अभी कम से कम ग्यारह होना चाहिए, नौ हाँ अल्टरनेट आपको मतलब सभी है, नौ का विभाजन है सभी अंकों का योग, तैतीस आ रहा है प्लस दो वाई का वैल्यू और एक साइड में आता है, 33 से 2 कितना हो गया 35, कम से कम वैल्यू एक रहता 36 होता जो कि कट जाता कितना से 9 से, यहाँ एक से वैल्यू क्या लेना आपको 1 लेना है, एक से वैल्यू 1 लेना है, पूछा है क्या, हालांकि यहाँ पे बहुत सारा हुआ एक से वैल्यू आएगा, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, देखिए जी क्या निकलता है, क्या है 35 आया और 11 दिन 9 से कट जाएगा, आप जान लीजिए 10 हमें पड़ जाएगा क्योंकि 45 कटेगा, तो कोई बात नहीं, वैल्यू है क्या लेना है, 9 तक 9 एक अंक पे लेना है, 10 हमें पड़ नहीं चलेगा, तो 9 ही करना है, 9 रखते हैं यहाँ पर, तो 35 9 कितना होता है 44, 45 में 44 जो कि 9 में 45 चाहिए, 45 में 10 जोड़ना पड़ेगा, 10 रखना ही नहीं है, तो
एक्स वैल्यू 1 वाई का वैल्यू 2 आया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बोलिए तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है 95 है जी और 94 5x माइनस 3y 5x माइनस 3y 5 इंटू एक्स मान 1 3 इंटू वाई का मान 2 कितना आ रहा है 5 माइनस माइनस 1 आ रहा है चलिए माइनस 1 आएगा 95 में आ भाई 95 क्या है के बस इतना छोटा क्वेश्चन पूछा है कहता है 5 6 5 2 आगे बोलिए 5 6 5 2 है नहीं 5 6 5 6 x 5 6 5 6 और x 5 2 5 6 5 6 x और 5 2 ऐसा है किसे डिविजिबल है 72 से 72 से 72 मतलब 8 और 9 चलिए x होने मतलब क्या अंतिम 3 अंक तुमको यहीं से निकल जाएगा और देखिए क्या समझ लिया दोनों को लेना पड़ जाएगा अंतिम 3 अंक यानी x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा अगर हम भागा देंगे x 5 2 में तो सोचिए यहां पर हम क्या रख दें जो कट जाएगा तो शुरू में थोड़ा सा भरना चैलेंजिंग हो जाता है अगर आप 1 रखेंगे 0 रखेंगे 52 तो कटता है नहीं 8 से 0 गया 1 रखेंगे कितना हो 1 चलिए हम यहां पर 1 रख दिए 8 से भागा देंगे तो कितना लगेगा 8 का 8 कितना होता जाएगा 7 तो कट जाएगा यानी 1 चलेगा अब सोचिए इसका जगह पर हम 1 के जगह पर क्या रख देंगे 2 तो नहीं कटेगा 2 में यहां बच जाएगा आपका शेष 1 जो नहीं कटेगा 3 में 3 का शेष कितना हो जाएगा 8 4 32 8 4 32 यहां हो जाएगा कितना हो रहा है शेष बस पहली में बदली जाएगा 1 5 7 आ जाएगा 3 आ रहा है 3 भी और 7 रख दिया दो बार में कट जाएगा कौन सा 7 रख लेंगे जी 2 रख लेंगे दो एक्स के जगह दो नहीं कटेगा दो में नहीं कटेगा यार 1 3 5 7 8 9 25 तो 12 बच रहा है ना तो 12 कटता है 8 नहीं कटेगा इस चीज और हम थोड़ा सा इशारा किए थे कि देखिए आखिर ऑड नंबर का ले रहा है बटन में तो ऑड में आएगा ये सब चांस देखना है बटन में समझिए क्या है इवन नहीं चांस दे रहे हैं और क्या है जब इवन मतलब सम संख्या तो समय आएगा फिक्स कर देते यहाँ पर है क्या आ रहा है 7 7 रखने पर आता है क्या 7 रख देंगे तो 9 5 से भी आ जाएगा सर 1 3 5 से भी आ जाएगा 5 से आता है 7 से भी आएगा 9 से भी चलिए 5 रख लिए पहले 5 रख लिए तो 8 6 48 55 में 47 जाएगा कितना बचेगा 7 7 बच रहा है हाई कट जा रहा है 5 भी चलेगा 7 चलेगा 9 भी चलेगा 9 भी इसका हो जाए चलिए इतना सारा फिर लेकिन पूछा है क्या क्वेश्चन हाँ अब तो इतना है लेकिन हमको यार्ड के अनुसार इतना सारा वैल्यू है 9 के अनुसार क्या चलेगा से देखिए तो 9 को रहता है हम क्या पढ़ेगा सभी अंकों का योग जोड़ दिए 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 7 हो रहा है 29 टोटल कितना हो रहा है 29 हो रहा है अब जोड़िए 29 में क्या जुड़ेगा कटेगा 9 से 36 कटता है 9 से इसके आगे तो 7 ही जोड़ना पड़ेगा ना कौन सा वैल्यू चलेगा इसका हो जाएगा 7 x वैल्यू कितना हो जाएगा 29 में 7 जोड़ेंगे तब कट जाएगा करके 36 यानी x वैल्यू आपको क्या लेना है 7 लेना चलिए इसको अभी हर जगह क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 96 कल भी बोल लेते हैं हम कि आपको समय देते हैं बनाने के घर से बनता है तो ठीक है नहीं बनता तो यहां मिलाइए और थोड़ा स्पीडली हल कर देंगे इसको अलग बैठा है ना जी क्वेश्चन नंबर कहाँ है इसमें 96 के बाद आपको 96 क्या करा है सेम ही क्वेश्चन है क्या लिख दिया 96 4x 5 7 3 7 3 y किसे डिवाइड है 72 से चलिए 72 मतलब 8 और 9 से चलिए 8 कम से कम अंतिम तीन अंक देखेंगे हो 7 3 y 8 से काटे जल्दी में 9 8 72 या एक अब यहाँ पर क्या रहता नहीं कट जाता हमको लगता खाली 6 रहता तो कटता 6 रहेगा तो कटेगा 2 रहेगा तब भी नहीं कटेगा 3 में भी नहीं कटेगा 4 में भी नहीं कटेगा बाद में 8 को नहीं रहेगा 6 पे खाली कटता यानी y के वैल्यू कितना आ रहा है इसके अनुसार 6 अब यहाँ पर y का 6 आ गया और 9 का मतलब सभी अंकों का जोड़ देंगे तो 4 प्लस x प्लस
फाइव प्लस सेवन प्लस उन्नीस, थ्री प्लस वन, पेट्रोल के अंदर क्या आ रहा है उन्नीस, उन्नीस आ रहा है प्लस तीस आ रहा है, पच्चीस कैसे आएगा सर, अब यहाँ पर y x प्लस वाई हमें क्वेश्चन था x प्लस वाई पूछा है क्या, x प्लस वाई पूछा है ना, x प्लस वाई यहाँ पर आप सोच लीजिए पूरे जोड़ लीजिए आप कैसे, उन्नीस कट रहा है नौ से पूरा कटने के लिए आपको उन्नीस नौ के बाद कम पड़ता है सताइस ना, तो टोटल सम मतलब कितना हो जाए सताइस उन्नीस आठ पड़ेगा टोटल मतलब आठ, y का वैल्यू 6 हो गया और x का वैल्यू 2 हो गया, ऐसी स्थिति में आपको अलग अलग वैल्यू मतलब नहीं रखता, ऐसे ही स्थिति में यही करना है कि आपको पूरा देखना है कितना हो जाएगा तो 10 कटता तो 8 देना पड़ जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया 8, लेकिन x पूछेगा तो 2 बोल सकते हैं y बोलेगा तो 6 बोल सकते हैं, लेकिन जब ये भी पूछ दे योग आंसर तो नहीं शायद पड़ता है जरूरत, 97 में देखिए 97 में क्या लगा हुआ है, नौ अंकों की संख्या जो 72 से डिविजिबल है, संख्या बोलिए तो क्या लिखा हुआ है 985 x 36 78 y किसी डिविजिबल है 72 से, अब यहां पर बोला है तो वहां पर वैल्यू कुछ अलग अलग निकालना हमको x y मान निकालना ही पड़ जाएगा, 72 मतलब कितना से 8 और 9 से, अब सोचिए यहाँ पर 7 8 y है क्या रखेंगे वो 8 8 जबर कट जाएगा तो देखिए कितना है 9 ठीक 72 कितना होगा भाई 6, अब यहाँ पर क्या रखाएगा 0 रखेंगे 60 नहीं कटता 8 से, 1 रखेंगे 61 बनेगा, 2 रखेंगे 62 बनेगा, 3 रखेंगे 63 बनेगा, 4 रखेंगे 64 बनेगा, यानी भाई का मूल्य कितना होगा 4, 5 रखेंगे 65 6 रखेंगे इससे नहीं कटने वाला है ना मौखिक बल चल रहा है तो y का वैल्यू 4 आ गया, अब यहाँ पर देखिए x का है तो 9 से मतलब सभी अंकों का जोड़ देना तो कितना हो रहा है 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस y जोड़े कितना आया 17 5 22 22 3 6 27 25 25 3 25 25 6 31 31 7 38 38 कितना 46 इधर से आ रहा है 46 प्लस x प्लस 48 में होगा 38 और 8 बोले 46 होगा 46 होगा 46 देखिए अब y का वैल्यू 4 रख दे रहे हैं 46 और 4 कितना हो जाएगा 50 इधर आके 50 और अब यहां पर देखिए वो 9 से कटने के कितना चाहिए 9 से कौन कटा जाऊंगा आपके सामने 50 से 4 जोड़ना पड़ेगा तो कम हो जाएगा तो यहां पर हो गया x का वैल्यू 4 खाली जोड़ घटाओ गुणा भागा बस x का वैल्यू 4 क्वेश्चन क्या पूछा है बोलिए अंतिम में क्या लिखा हुआ है किसका वैल्यू निकालना है 97 है ना निकालना है 4x माइनस 3y 4x माइनस 3y 4 इंटू x का मान 4 है 3 इंटू y का मान कितना आपके सामने 4 है चलो 16 चल दिया 12 में कितना आएगा 4 इसको आप लिख सकते हैं तो लिखिए कहां से रुकता है सर कहां से